Welcome friends, welcome to Study Wave. Dear friends, this is lecture number 4 on Polity Question Series. Please like, subscribe and share this video on your social media. Dear friends, इससे पहले हम question series के part 3 तक video upload कर चुके हैं. यदि आप previous video नहीं देखे हैं, तो आप हमारे playlist में जाकर के previous video देख सकते हैं, जिसमें हम questions का discuss किए हैं with explanation के साथ. जो कि आप जो भी examination के preparation कर रहे हो, उस सारे एग्जामिनेशन में ये जो पॉलिटी का ये सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. हम मॉर्निंग में आपके लिए एक थ्योरी लेक्चर अपलोड करते हैं, जिसमें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है, बस एक वीडियो और बचा है. उसके बाद कल साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम पॉलिटी के जो भी शेड्यूल्स हैं या पार्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे. इस तरह से मॉर्निंग में लेक्चर कंटिन्यू चलते रहेगा और इवनिंग में इस तरह के जो भी क्वेश्चन सीरीज आता है वो भी कंटिन्यू रहेगा. यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम. क्वेश्चन नंबर 46, इससे पहले हम 45 तक डिस्कस कर चुके हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 46 है. उसमें कह रहा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटर असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड. क्वेश्चन यह कह रहा है कि पहले केंद्रीय विधानसभा का निर्माण कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 1921 में. देखिए 1919 में मॉन्टेक चेम्सफोल रिफॉर्म आया था, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं. इसके तहत 1921 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया, जिसमें टोटल 145 मेंबर थे. शुरुआत में टोटल कितने मेंबर थे, 145, जिसमें से कुछ इलेक्टेड थे और कुछ नॉमिनेटेड थे. इनडायरेक्टली जो इलेक्टेड थे प्रिंसली स्टेट के द्वारा कुछ बंदे नॉमिनेटेड थे और कुछ डायरेक्टली इलेक्टेड थे. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47 है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव बना था हमारा, उसका पहला प्रेसिडेंट कौन था. तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव कब बनके तैयार हुआ था, 1921 में. तो कह रहा है कि इसका पहला प्रेसिडेंट कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विठल भाई पटेल. देखिए इसमें पहला प्रेसिडेंट पूछ रहा है, यदि इंडियन प्रेसिडेंट रहता तो भी यही ऑप्शन होता है, विठल भाई पटेल. लेकिन सबसे पहले 1921 में जो प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, वो बने थे फ्रेडरिक वाइटे, जो कि ब्रिटिशर्स था फ्रेडरिक वाइटे. लेकिन विठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव का प्रेसिडेंट बने थे, जो कि इंडियन थे. तो यदि पूछे इस तरह से क्वेश्चन आए कि बताओ पहला प्रेसिडेंट कौन था, और यदि उसमें इंडियन शब्द नहीं लिखा और उनका नाम रहे फ्रेडरिक वाइट, चलिए मैं लिख देता हूं, फ्रेडरिक वाइट का नाम रहेगा, तो ये होगा, जो कि ब्रिटिशर्स था, ठीक है. लेकिन पहला इंडियन प्रेसिडेंट कौन था, तो पहला इंडियन प्रेसिडेंट था विठल भाई पटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48 है कि लोकल गवर्नमेंट इज फाउंडेशन ऑफ, जो लोकल गवर्नमेंट है वो किस चीज का फाउंडेशन है, मतलब किस चीज का नींव है, तो डेमोक्रेसी का है. यदि हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में जो लोकल गवर्नमेंट है, अर्थात सबसे नीचे जो गवर्नमेंट है, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम, तो जो लोकल गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है, नींव है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट अडॉप्ट किया गया है, मौलिक अधिकार, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया है. यदि मौलिक अधिकार का बात करें, फंडामेंटल राइट का, कितने पार्ट्स में आता है मौलिक अधिकार, आता है पार्ट थर्ड में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में मौलिक अधिकार आता है. और इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक. टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6 है. पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तो कितने फंडामेंटल राइट थे, 7 थे. बाद में एक फंडामेंटल राइट इसमें से डिलीट कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी. तो टोटल अभी हमारे पास कितने फंडामेंटल है, 6 फंडामेंटल है, ये याद रखिएगा. और 12 से 35 आर्टिकल तक हमारा फंडामेंटल राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में जो सिंगल सिटीजनशिप है वो कहां से अडॉप्ट किया गया. तो सिंगल सिटीजनशिप हम कहां से अडॉप्ट किए, इंग्लैंड से अडॉप्ट किए. यदि हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में ड्यूल सिटीजनशिप होता है, एक तो हो गया आपका सेंटर का सिटीजनशिप और एक हो गया स्टेट का सिटीजनशिप. लेकिन इंग्लैंड में कहां पे, इंग्लैंड में सिंगल सिटीजनशिप है, जहां जिससे हमारे देश में भी सिटीजनशिप कहां से लिया गया, इंग्लैंड से. सिंगल सिटीजनशिप इंग्लैंड से लिया गया क्योंकि हमारा सेंटर का और स्टेट का, मतलब हर एक व्यक्ति का सिर्फ एक नागरिकता होता है, सेंटर और स्टेट दोनों का एक ही नागरिकता होता है. उस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, इसमें कह रहा है कि द रूल ऑफ लॉ इज द स्पेशलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग.
जो कानून का नियम है निम्नलिखित में से किसकी विशेषता बताता है, तो यह है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। यदि हम ब्रिटेन में देखें तो लॉर्ड डाइसी के द्वारा, एक लॉर्ड लॉर्ड डाइसी सबसे पहले लॉर्ड डाइसी सबसे पहले रूल ऑफ लॉ पॉपुलराइज किए थे। रूल ऑफ लॉ सबसे पहले लॉर्ड डाइसी के द्वारा पॉपुलराइज किया गया था। और रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि लॉ जो है सो सुप्रीम है, और लॉ के ऊपर अर्थात कानून के ऊपर कुछ भी नहीं है, सबसे सुप्रीम क्या है, लॉ है। यदि हम अपने देश में भी देखें तो हमारे देश में भी कुछ भी चीज मतलब लॉ से ऊपर कोई भी चीज नहीं है, चाहे हम किसी भी रिलीजन का बात करें, कोई भी चीज का बात करें, किसी भी धर्म का बात करें, सबसे ऊपर क्या है, हमारा संविधान है। संविधान के बाद ही सब कुछ है, तो सबसे ऊपर क्या है, हमारा रूल है, लॉ है। तो ये रूल ऑफ लॉ सबसे पहले सुप्रीमिटी कहां था, ब्रिटेन में था। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 52 है कि फ्रॉम वेयर डिड इंडिया एडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत में एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से अपनाया, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संघीय प्रणाली कहां से अपनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कनाडा से। हमने फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहां से अपनाया, कनाडा से। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यदि हम यूएसए का एग्जांपल लें तो प्योरली फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एग्जांपल कौन सा है, यूएसए। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड होगा। सेंटर अपना अपने लेवल पे काम करेगी, अपने लेवल पे कानून बनेगी, और स्टेट अपने लेवल पे कानून बनेगी। तो यदि हम नॉर्मल देखें तो हमारे देश में नॉर्मल तो एज ए फेडरल की तरह काम करता है, लेकिन एज जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो हमारा देश कैसे, हमारे देश का जो संविधान होता है वो एज ए यूनियन के तरह, यूनिटी के तरह काम करने लगता है। अर्थात सारा पावर किसके पास चला जाता है, सेंटर के पास चला जाता है। तो ये याद रखिए। चलिए, और कनाडा से हम क्या क्या लिए हैं, कनाडा से एक तो हम फेडरल सिस्टम और गवर्नमेंट लिए, उसके बाद लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यूनियन और स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जो रेसिडरी पावर्स होता है, रेसिडरी पावर्स हम कहां से लिए हैं, रेसिडरी पावर्स ऑफ सेंटर, वो भी हम लिए कनाडा से। रेसिडरी पावर्स क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक तो सेंट्रल लिस्ट हो गया, सेंट्रल लिस्ट पे केंद्र कानून बनाएगी, उसके बाद एक हो गया स्टेट लिस्ट जिस पे राज्य कानून बनाएगी, और एक होता है कंकरेंट लिस्ट जिस पे दोनों कानून बना सकती है, सेंटर भी और स्टेट भी। इस सारे के अलावा कोई ऐसा विषय बच जाए, कोई ऐसा सब्जेक्ट बच जाए जो कि न तो सेंट्रल में आता हो, न स्टेट में आता हो, न कंकरेंट में आता हो, तो वो पावर कहां चला जाएगा, वो सेंटर के पास चला जाएगा, उसे हम कहते हैं रेसिड्यूरी पावर। ठीक है, और कनाडा से एक इंपॉर्टेंट चीज लिया गया, इसे याद रखिएगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है हमारे देश में वो कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंटर करता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, वेयर इज द वर्ड फेडरल इज यूज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे संविधान में फेडरल शब्द का यूज कहां पे किया गया है। तो देखिए, मॉर्निंग वाले लेक्चर में बताए थे, सुबह में हम डिटेल्स में चर्चा किए थे कि फेडरल शब्द का यूज हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का यूज नहीं है, हमारे संविधान में यूनियन का यूज किया गया। यदि हम आर्टिकल 1 देखें तो आर्टिकल 1 हमारे संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो वहां पे यूनियन शब्द का यूज किया गया, न कि फेडरेशन का यूज किया गया। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 53 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें कह रहा है कि जो भारत के जो प्रेसिडेंट है उसके पास किस देश के संविधान जैसी शक्ति है, मतलब जो हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, हमारे देश के राष्ट्रपति के पास जितने पावर है किस देश के संविधान जैसे शक्ति के बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ब्रिटिश क्राउन के पास। देखिए, ब्रिटिश क्राउन के पास जो शक्ति है और हमारे प्रेसिडेंट के पास भी शक्ति है, जो दोनों सेम है, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन भी है, एक नॉमिनेटेड हेड है। यदि हम रियल पावर अपने देश में देखें तो रियल पावर किसके पास है, रियल पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास। क्यों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है सो इलेक्टेड होकर के आता है, लेकिन डायरेक्ट चुनाव होता है प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन वहीं पे हम यदि प्रेसिडेंट का चुनाव देखें तो इनडायरेक्ट चुनाव होता है, अर्थात अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेता, जो जिस जनता को हम चुनते हैं, तो एमएलए एमपी इस चुनाव में भाग लेते हैं। किसके चुनाव में, प्रेसिडेंट के चुनाव में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के चुनाव में जितने भी पीपल ऑफ इंडिया है तो वो भाग लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के चुनाव में। तो सबसे ज्यादा पावरफुल एग्जीक्यूटिव, जितने भी पावर, रियल पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास, और नॉमिनल पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। तो जिस तरह से नॉमिनल पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है, उसी तरह से ब्रिटिश क्राउन जो है उनके पास भी नॉमिनल हेड होता है, नॉमिनल पावर होता है। तो आंसर क्या होगा, 54 का करेक्ट आंसर होगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया हु सेड दिस, मतलब यह सेंटेंस किसने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी, यह सेंटेंस किसने बोला था? यह एक ब्रिटिश हिस्टोरियन था ऑस्टिन, इसका नाम था ग्रेनविल ऑस्टिन, इसने बोला था कि संविधान सभा ही कांग्रेस था और कांग्रेस ही भारत था, क्योंकि यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करें तो उस समय में जितने भी मेंबर थे उसमें अधिकतर मेंबर्स जो थे सो कांग्रेस पार्टी के ही थे, तो इसलिए ऑस्टिन बोला था कि जो हमारा संविधान सभा है, मतलब जो भारत का संविधान सभा है, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उन्होंने बोला था कि संविधान सभा ही कांग्रेस था और कांग्रेस ही भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है कि हाउ मेनी वोमेन मेंबर्स वेयर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था तो कह रहा है क्वेश्चन में कि उसमें टोटल कितने महिला सदस्य थे, तो इसका ऑप्शन होगा सी, टोटल 15 वोमेन मेंबर्स थे, टोटल 15 थे वोमेन सदस्य उसमें, 15 वोमेन सदस्य में से यदि हम देखें इंपोर्टेंट नाम देख लीजिए, ये नाम याद नहीं रखना, जैसे कि एक तो सरोजनी नायडू थी, ठीक है, उसके बाद विजयालक्ष्मी पंडित थी, उसके बाद सुचेता कृपलानी थी, उसके बाद मालती चौधरी थी, उसके बाद एक मेहता करके थी, हंसा मेहता थी, उसके बाद दक्षयानी थी, तो इस तरह से ये मतलब ये चार पांच नाम याद रखिएगा, सरोजनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी और ये मेहता करके थी, ठीक है, हंसा मेहता और दक्षयानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है कि हु अमंग द फॉलोइंग एडवाइस दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंडेड अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन यह कह रहा है कि किसने यह सलाह दी थी कि जब हमारे देश मतलब इंडिया को स्वतंत्रता मिल जाएगी तब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है उसे खत्म कर देना चाहिए, तो ये बताया था महात्मा गांधी बोले थे कि स्वतंत्रता के बाद जो राजनीतिक पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस उसे भंग कर देना चाहिए, क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो सिर्फ उसका उद्देश्य था स्वतंत्रता की प्राप्ति करना, तो इसलिए महात्मा गांधी बोले थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को एबॉलिश कर देना चाहिए, जो कि भंग नहीं किया गया बाद में। 58 क्वेश्चन नंबर है कि राज्य और केंद्र सरकार ने को शक्ति कहां से मिलती है, कि द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव्ड पावर फ्रॉम, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है सो सोर्स है किसका, पावर का, स्टेट और सेंट्रल के बीच में जो भी पावर का डिवीजन होता है उसका सोर्स कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 59 क्वेश्चन है कि जो बजट सिस्टम था, बजट सबसे पहले किस वायसराय के दौरान, उस समय में भारत का वायसराय कौन था जब सबसे पहला बजट पेश किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग थे। सबसे पहला बजट हम देखें तो सबसे पहला बजट इंडिया में पास किया गया था फरवरी 1860 में सबसे पहला बजट पेश किया गया था, उस समय में भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था, और सबसे पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जेम्स, ये नाम याद रखिएगा, जेम्स विल्सन के द्वारा सबसे पहला बजट पेश किया गया था, जेम्स विल्सन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वो कहां से लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम डीपीएसपी लिए हैं, और देखिए हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से और क्या क्या चीज लिए हैं इसे याद रखिए, आयरिश से हम लिए हैं एक तो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हमारे देश में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो किस तरह से होना चाहिए वो कहां से लिए हैं, वो हम लिए हैं आयरिश गवर्नमेंट से। उसके बाद राज्यसभा में जो मेंबर्स नॉमिनेटेड किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो भी हम कहां से लिए हैं, आयरिश गवर्नमेंट से लिए हैं, ठीक है, और डीपीएसपी भी हम आयरिश गवर्नमेंट से लिए। चलिए डीपीएसपी के बारे में बात करें, हम सुबह वाले लेक्चर में पूरे डिटेल्स में हम बात कर रहे हैं, साइलेंट फीचर जिसमें हम अभी संविधान की जो विशेषताएं बता रहे हैं उसमें हम ये बात किए थे, आप देख सकते हैं मॉर्निंग वाले लेक्चर, तो डीपीएसपी जो है सो पार्ट 4 में आता है, ठीक है, आर्टिकल कितने से कितने तक, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो ऑन योर डिफरेंट सोशल मीडिया, गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।